जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में मंगलवार को कांग्रेस के एक नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमले में उनके दो सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने हालांकि पहले कहा था कि गुलाम नबी पटेल सत्तारूढ़ पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का नेता था, लेकिन मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने पटेल को कांग्रेस नेता के रूप में पहचान की है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि पुलवामा के राजपुरा चौक में आतंकवादियों ने पटेल के वाहन पर गोलीबारी कर उन्हें और उनके सुरक्षा कर्मियों को घायल कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि गंभीर रूप से घायल होने के कारण पटेल की मृत्यु हो गई, जबकि उनके सुरक्षा कर्मियों इम्तियाज अहमद और बिलाल अहमद का इलाज चल रहा है। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट पर कहा कि राजपुरा में आज आतंकवादियों द्वारा मारे गए वरिष्ठ कांग्रेस नेता जीएन पटेल के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना है। ऐसी कायराना हरकत से कुछ हासिल नहीं होने वाला, लेकिन एक परिवार तबाह हो गया है।